डिग्री बोले चक पांच एलम श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बी ए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री सेकेंड आधुनिक विश्व का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल के वीडियो में हमने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि और उसके कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अमेरिकी क्रांति का जो नेतृत्व है वह जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशवासी विजयी रहे और 13 उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों को अपने संघर्ष में सफलता मिली और इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत कर दिया गया था। इस प्रकार जो अमेरिकी क्रांति है वह इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय के विरुद्ध उपनिवेशवासियों ने की थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो मुख्य कारण था, तत्कालीन जो कारण रहा वह था ओलिव ब्रांच प्रार्थना पत्र अस्वीकार करना इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय के द्वारा। उपनिवेशवासियों ने अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय के पास ओली ब्रांच नामक एक प्रार्थना पत्र लिखा और 1765 के बाद पारित किए गए करों को समाप्त करने के लिए कहा गया था, लेकिन जॉर्ज तृतीय ने उपनिवेशों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके परिणाम स्वरूप उपनिवेशवासियों ने जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। इस संघर्ष में उपनिवेशवासी विजयी रहे और इंग्लैंड इसमें पराजित हो गया तथा जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत कर दिया गया था। तो कल हमने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या परिणाम रहे, अर्थात इसका क्या प्रभाव पड़ा था, इसके अंतर्गत इंग्लैंड पर जो प्रभाव पड़ा, अमेरिका पर जो प्रभाव पड़ा या फ्रांस पर, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो कि विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी गई है, इसने न केवल इंग्लैंड को ही बल्कि अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड और भारत को भी इसने प्रभावित किया था। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप पुरानी मान्यताओं का अंत कर दिया गया और नवीन मान्यताओं का उदय हुआ था। तो आइए हम देखते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम प्रभाव महत्व क्या रहा। सबसे पहले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा था। सबसे पहले है इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचा, दूसरी उपनिवेशों का हाथ से निकल जाना, इंग्लैंड के हाथ से जो 13 उपनिवेश थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य की उपनिवेशिक नीति में परिवर्तन किया गया। 4 नंबर राजा के व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया था, अर्थात जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया था। 5 नंबर है इंग्लैंड के लिए भी नई समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। नंबर 1 है इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को आघात। जैसा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशवासी विजयी रहे थे क्योंकि उन्हें जॉर्ज वाशिंगटन जैसे योग्य नेता का नेतृत्व उन्हें प्राप्त हुआ था, तो इस क्रांति के अंतर्गत उपनिवेशवासी विजयी रहे थे। तो इस युद्ध के बाद विश्व समुदाय में इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को
प्रबल आघात पहुंचा था क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड पराजित हो गया था। तो इंग्लैंड के निवासी अजय हैं, यह धारणा जो है इस युद्ध के बाद समाप्त हो गई थी तथा अन्य उपनिवेशों में भी इंग्लैंड के प्रति अब आवाज उठने लगी थी। तो इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप ही इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचा था तथा उसके शक्ति और प्रभाव में भी काफी कमी आई। इसके परिणाम स्वरूप अन्य उपनिवेशों ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट है उपनिवेशों का हाथ से निकल जाना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो 13 उपनिवेश अमेरिका में स्थापित किए गए थे जिन पर इंग्लैंड की सरकार का दबदबा था, तो इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के हाथों से ये 13 उपनिवेश स्वतंत्र हो गए तथा उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इन उपनिवेशों से अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ प्राप्त होता था जबकि अंग्रेज अब इस लाभ से वंचित हुए। उपनिवेशों के स्वतंत्र हो जाने से ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य में भी काफ़ी कमी आई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य की औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन। ब्रिटिश साम्राज्य की औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन, तो अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की औपनिवेशिक साम्राज्य की नीति में अब परिवर्तन हुआ। अब ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने यह बात अच्छी तरह से समझ ली थी कि उपनिवेशों को अपने अधिकार में रखने के लिए शोषण की बजाय उनके साथ उदारता की नीति अपनाई जाए। अतः इस युद्ध के बाद आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग्लैंड ने अब उदारता की नीति अपनाने का निश्चय कर लिया था। नेक्स्ट है राजा के व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप। तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के राजा अर्थात जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया था। इंग्लैंड की प्राज्ञ के लिए जॉर्ज तृतीय प्रमुख रूप से दोषी ठहराया गया और इसके परिणाम स्वरूप जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत हुआ। उसके मंत्री लॉर्ड नॉर्थ को भी अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। इसके बाद वहाँ पर वैधानिक विकास का जो मार्ग है वह प्रशस्त हो गया था। नेक्स्ट है इंग्लैंड के लिए नई समस्याएं। इंग्लैंड के लिए नई समस्याएं, तो अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को कुछ नवीन समस्याओं का सामना करना पड़ा। 20,000 के लगभग इंग्लैंड के जो राजभक्त थे वह उपनिवेशवासी अमेरिका छोड़कर कनाडा चले गए थे और उनके वहाँ बस जाने से कनाडा में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में झगड़ा हुआ। इसके अतिरिक्त इस युद्ध के पहले इंग्लैंड के जो राजनीतिज्ञ थे कैदियों को देश निकालकर अमेरिका भेज दिया जाता था, परंतु अब जब अंग्रेज का यह अमेरिकी उपनिवेश समाप्त हो गया था तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेजा जाने लगा था। इससे एक नए अंग्रेजी साम्राज्य का जन्म हुआ था। तो ये था इंग्लैंड पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम। इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को घात पहुंचा, उपनिवेशों का हाथ से निकल जाना, 13 उपनिवेश जो इंग्लैंड के अधीन थे वह अब इंग्लैंड के हाथों से निकल गए। इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य को अपने उपनिवेशिक नीति में परिवर्तन करना पड़ा तथा अन्य उपनिवेशों के साथ अब उन्हें उदारता की नीति अपनानी पड़ी। इसके अलावा इस क्रांति के परिणाम स्वरूप राजा के व्यक्तिगत शासन अर्थात जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का
स्वतंत्र राष्ट्र का प्रादुर्भाव हुआ। संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में स्थापित की गई। इसके अलावा अमेरिका की उद्योगी और आर्थिक उन्नति हुई। सामाजिक उत्थान हुआ तथा धर्म निरपेक्ष राज्य का विकास हुआ था। नंबर एक, स्वतंत्र राष्ट्र का प्रादुर्भाव। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भी अमेरिका के जो 13 उपनिवेश है जो इंग्लैंड के अधीन थे अब स्वतंत्र हो गए थे और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र का अब उदय हुआ था। और स्वतंत्र राष्ट्र का प्रादुर्भाव जो था इस क्रांति का एक प्रमुख परिणाम रहा था। नेक्स्ट है संघात्मक शासन व्यवस्था। दो नंबर, सन 1787 में फिलाडेल्फिया में एक संवैधानिक सभा ने अमेरिका की एक संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया था। जैसा कि 4 जुलाई 1776 को उपनिवेशवासियों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, अमेरिका में अब पूर्ण प्रजातंत्र अर्थात लोकतंत्र की स्थापना की गई। आधुनिक विश्व में अमेरिका ने ही प्रजातंत्र शासन के संबंध में अनेक सफल प्रयोग किए। इस संघात्मक शासन व्यवस्था को कालांतर में अन्य देशों ने भी अपनाया था। नेक्स्ट है अमेरिका की औद्योगिक एवं आर्थिक उन्नति। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप ही सैनिकों को अस्त्र शस्त्र कपड़े और भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, जिसे कि बहुत कुछ तो फ्रांसीसी और डच जुटाते थे, परंतु इसके बाद भी उन्हें पूरी चीज़ें नहीं मिल पाती थी। इस कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका के घरेलू उद्योग धंधों को अब काफ़ी प्रोत्साहन मिला। इससे लोहा, सूती कपड़े और अन्य उद्योगों को विकास में काफ़ी सहायता मिली थी। आर्थिक उन्नति के साथ साथ अमेरिका में वित्त संबंधी स्वतंत्रता भी स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है सामाजिक उत्थान के कारण। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप सामाजिक उत्थान का कार्य भी हुआ। अमेरिकी क्रांति के कारण भी अब नारियों में जन जागृति उत्पन्न हुई। युद्ध के समय स्त्रियों ने गुप्तचर का कार्य करने, अस्त्र शस्त्र बनाने आदि में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप ऐसे हजारों लोगों को अमेरिका छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा जिनकी सहानुभूति अंग्रेजी सरकार के प्रति रही थी। इसके अलावा अमेरिका में उत्तराधिकार के अब नए नियम बने जिसके अनुसार कोई भी जमींदार अपनी समस्त जायदाद केवल अपने बड़े पुत्र को ही नहीं दे सकता था, बल्कि उसे जमीन एवं जायदाद सभी उत्तराधिकारियों में बांटनी पड़ती थी। इनमें नारियां भी होती थी। नेक्स्ट है धर्म निरपेक्ष राज्य का विकास। अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भी अमरीका में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप अमेरिका में राज्य से धर्म का जो संबंध है हटा दिया गया। संविधान के अनुसार चर्च को राज्य से अब अलग कर दिया गया और कांग्रेस को यह अधिकार दिया गया कि वह कानून के द्वारा किसी धर्म की स्थापना करे अथवा किसी धर्म के स्वतंत्र पालन को रोके। इस प्रकार आधुनिक विश्व में अमेरिका ने ही सर्वप्रथम धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। आइए हम देखते हैं इंग्लैंड और अमेरिका के पश्चात फ्रांस पर इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था। सबसे पहले है खोए सम्मान की प्राप्ति, दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव, पहला है खोए हुए सम्मान की प्राप्ति। जैसा कि 7 वर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने फ्रांस को पराजित कर दिया था,
शपथ वर्षीय युद्ध जो कि 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। इस शपथ वर्षीय युद्ध में इंग्लैंड विजयी रहा था तथा फ्रांस पराजित हो गया था, जिससे फ्रांस की प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचा था। अतः फ्रांस ने उपनिवेशों को सैनिक और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का वचन दिया और उपनिवेशों को इंग्लैंड के विरुद्ध उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया और कहा कि वे अपने राजा जॉन द्वितीय के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा करें। फ्रांस उन्हें हर प्रकार से सैनिक और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगा, क्योंकि फ्रांस अपनी राज्य का बदला लेना चाहता था। तो ऐसी स्थितियों में जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम अर्थात उपनिवेशों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया, तो फ्रांस ने भी अपनी सैनिक और आर्थिक सहायता उपनिवेशों को उपलब्ध करवाई। इसके अलावा उपनिवेशवासियों को जातवासी गठन का योग्य नेतृत्व भी प्राप्त था। अतः उपनिवेशवासी इस संघर्ष में विजयी होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस को अपने खोए हुए सम्मान की उन्हें प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि इंग्लैंड से शपथ वर्षीय युद्ध में पराजित होने के बाद फ्रांस को कनाडा, नोवा स्कोशिया और वेस्ट इंडीज के कुछ द्वीपों से उसे वंचित होना पड़ा था। परंतु 1783 ईस्वी की वर्साय की संधि के अनुसार फ्रांस को टोपे गोलैंड और सेनेगाल प्राप्त हुए। भारत में चंद नगर की व्यापारी कोटी भी फ्रांस को प्राप्त हो गई थी, जिससे फ्रांस की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई थी। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव। तो अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों ने उपनिवेशवासियों को अपनी सैनिक आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इस संघर्ष में उपनिवेशवासी विजयी रहे तो फ्रांस वासियों में उत्साह और जोश की भावना उनके अंदर फैली और उन्होंने अनुभव किया कि जब हम उपनिवेशवासियों को सैनिक और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध विजय दिलवा सकते हैं, तो क्या हम अपने राजा लुई 16वें के व्यक्तिगत शासन का अंत नहीं कर सकते। इस युद्ध से फ्रांस ने प्रेरणा ली और उन्होंने अपने राजा अर्थात लुई 16वें के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा करने का निश्चय कर लिया था। तो इसी के परिणाम स्वरूप फ्रांस ने 5 मई 1789 को अपने राजा लुई 16वें के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था और इस संघर्ष में जो प्रजा है विजयी रही थी और वहाँ लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया था तथा लुई 16वें व उसकी रानी आंतवानेत को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो इस प्रकार अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप ही फ्रांसीसी क्रांति 1789 का जो मार्ग है प्रशस्त हुआ था। फ्रांस ने इस संघर्ष से प्रेरणा ली और अपने राजा लुई 16वें के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा करने का निश्चय कर लिया। तो आइए वो देखते हैं फ्रांस के पश्चात आयरलैंड पर क्या प्रभाव पड़ा और भारत पर। तो अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम ने आयरलैंड को भी प्रभावित किया था। उस समय जो आयरलैंड है कि जनता अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। इस युद्ध तथा इसमें उपनिवेशवासियों की सफलता ने आयरलैंड के लोगों को अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष तेज करने की प्रेरणा दी थी। अमेरिकनों के प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं, अमेरिकनों के प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं के नारे ने आयरलैंड के लोगों को काफ़ी प्रभावित किया था कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रजा को कोई प्रतिनिधित्व ही प्राप्त नहीं है तो कर किस बात का दिया जाए, और आर्थिक शोषण और राजनीतिक दासता से मुक्ति पाने
ये जो आयरलैंड वासी थे काफी उत्साही भी थे और अपनी स्वतंत्रता के लिए कटिबंधी हो गए थे। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का आयरलैंड पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा था और वे इंग्लैंड की दासता से मुक्ति पाने के लिए अब प्रयत्न करने लगे थे। नेक्स्ट है भारत पर प्रभाव। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने भारत को भी प्रभावित किया था। उस समय अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर जमाना शुरू कर दिया था। इस युद्ध के बाद अनेक राजनीतिज्ञों जैसे फाफ्ट, पिट और बर्ग आदि ने इस बात पर बल दिया था कि भारत में इंग्लैंड को अपनी अमेरिका वाली उपेक्ष नीति नहीं दोहरानी चाहिए और प्रजा के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आगे चलकर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी तथा स्वतंत्र भारत के संविधान को भी प्रभावित किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने एशिया के अन्य देशों को भी स्वतंत्र प्राप्ति की प्रेरणा प्रदान की थी। तो आइए हम देखते हैं अमेरिकी क्रांति का ऐतिहासिक महत्व क्या रहा। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने राजा के दैवीय अधिकारों और कुलीन तंत्र का अंत करने में काफी योगदान दिया। उसने जनतंत्र पर आधारित एक नवीन शासन प्रणाली को जन्म दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का प्रथम देश था जिसने लिखित संविधान और संघीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया था। फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, ये जो सिद्धांत थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में निहित थे। धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्राधीन राष्ट्रों को प्रेरणा देता रहा और प्रजातांत्रिक आदर्श की स्थापना के लिए अब विभिन्न देशों में आंदोलन चल पड़े। आयरलैंड तथा फ्रांस के लोगों को इससे विशेष प्रेरणा मिली थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप ही फ्रांसीसी क्रांति का सूत्रपात किया गया था। तो इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व के अनेक देशों को प्रभावित किया था। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे इसी टॉपिक के साथ। कल के टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड क्यों पराजित रहा, उपनिवेशवासियों को विजय किस कारण से प्राप्त हुई, इसकी जानकारी हम कल की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।